हेलो एवरीवन, इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था एक कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाओ, और मैंने जैसे आपको बताया था ना पहले से ही कि मॉनसून का टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोकेशंस पे जाने को मुझे अभी प्रॉब्लम हो रहा है। फिलहाल आज एक ऐसे लोकेशन पे आ गया हूँ, संबलपुर पे ही एक लोकेशन है, लेकिन मैं पहले कभी यहाँ पर नहीं आया था। बस मैंने मैप पे सर्च किया, कुछ एक चीज़ मिला, हमेशा रास्ते से जाता हूँ जब मैं धमा की तरफ जाता हूँ, होतापाल की तरफ, और रास्ते पे ही एक मंदिर गिरता है। तो मैं सोचता रहता था कि हमेशा इस मंदिर पे कैसा जाया जा सके, और आज थोड़ा क्लियर किया हुआ है स्काई, और इस सोच में आया हूँ कि मैं कुछ मिल्की वे भी उठा सका, मिल्की वे भी ले सकता हूँ। और फिलहाल आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे एक मंदिर है, कैमरा लगा हुआ है, और पीछे आप ये भी देख सकते हैं कि रेनबो भी आया हुआ है। हालांकि ये फ़ोटो मैं ले चुका हूँ, व्लॉग मुझे पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आके मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मैं जन्नत पे आ गया हूँ। बिल्कुल जहाँ से भी फ़ोटो ले रहा हूँ अच्छा ही मिल रहा है, बहुत कलरफुल क्लाउड्स हैं, और सनसेट भी बहुत अच्छा हुआ। ये मंदिर इन इटसेल्फ बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर से ये रेनबो, और गजब का शॉट मिला। तो चलिए पहले मैं आपको शॉट्स दिखा देता हूँ यहाँ के, और कुछ आपको ड्रोन्स के शॉट्स दिखाऊँ, आपको बहुत ही मज़ा लगने वाला है। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इस जगह के बारे में। तो अभी मैं जिस जगह पे आया हूँ, ये संबलपुर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर के अंदर टुवर्ड्स धमा जो सोनपुर का रास्ता है उसी रास्ते पे आता है। मालती जोर एक जगह है जहाँ से एक कंजक्शन है महानदी का, वहाँ से डाइवर्सिफाई होके पानी बढ़ता है आगे। और यहाँ पर जो एक मंदिर है, वैसे तो दूर से देखने से लगा कि कोई मतलब शिव जी का मंदिर होगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला ये एक्चुअली गंगा जी का मंदिर है। तो सिंस यहाँ पर महानदी जा रहा है मेरे पीछे जैसे आप देख सकते हैं, तो कहा जाता है कि जब किसी का श्राद्ध होता था या कोई मर जाता था, तब यहाँ पर जब पानी में उनको अस्थि विसर्जन के लिए यहाँ पर आते थे, और वो जो डेड बॉडी होता था पहले इस मंदिर पे रखते थे, उसके बाद जलाया जाता था जो भी होता था, उसके बाद यहाँ से नहा के निकल लेते थे। तो इसी के लिए ये मंदिर ये बनाया गया है। तो ये गंगा जी का ही मंदिर है, तो फिलहाल अभी बंद था, लेकिन वहाँ पर जो उसके केयर टेकर हैं वो खुलाए और अंदर दिखाए, तो अच्छा खासा ही बनाया, अभी रिसेंटली बनाया। हालांकि ये मंदिर बहुत ही पुराना, बहुत सालों से है, लेकिन अभी इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, ये कलर लगाए हैं, सामने वाले लगाए हैं। तो यहाँ पर मैं इसी फ्रेम को ले कर आज मिल्की वे करने वाला हूँ। हालाँकि अभी देख सकते हैं पीछे ड्रामेटिक क्लाउड्स है, तो हो सकता है या नहीं हो सकता है मैं इसका श्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन चलो कुछ ना कुछ फ़ोटोज़ तो उठा के लेके जाएंगे। फिलहाल अभी इस मंदिर को लेके मैं एक लॉन्ग एक्सपोजर ट्राई करता हूँ, क्योंकि ड्रामेटिक क्लाउड्स तो पीछे है ही, और कलर्स भी बहुत अच्छे खासे आ रहे हैं, और अभी सनसेट हुआ है तो सनसेट का जो वार्मर कलर भी है वो भी बढ़िया से निखर के आ रहा है। तो चलिए ले लेते हैं शॉट यहाँ से। देखते ही देखते पूरा अंधेरा हो गया है, और क्लाउड्स जो है वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। मुझे लग तो रहा है कि क्लियर हो जाएगा, अगर क्लियर नहीं भी हुआ तो क्लाउड्स के पीछे जो ब्लू स्काई क्लियर स्काई रहता है वो विजिबल हो रहा है, और मेरा जो कंपोजिशन बैठाया हूँ मैं उसी ब्लू स्काई के पास ही बिल्कुल मिल्की वे निकल रहा है। वैसे तो एक्सेंड हो चुका है मिल्की वे, लेकिन लगभग 7:45 से 8 बजे के अंदर पूरा नाइट आवर्स हो जाएगा, और तब भी मैं 10 शॉट लेकर निकल लूँगा यहाँ से। अभी एक और प्रॉब्लम हो गया है कि मैं तो महानदी के पास हूँ, और यहाँ पर पानी बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे,
और गांव वालों का ये भी कहना है कि जहां अभी हम लोग क्रॉस करके आए हैं, वैसे तो नी से थोड़ा कम पानी था, उसको क्रॉस करके आए हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि पानी 2-3 घंटे में भी बढ़ सकता है बोल के, क्योंकि अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले हीराकुड डैम का गेट खुला हुआ है, और हीराकुड डैम का अगर गेट खुलता है तो मतलब कहीं ना कहीं तो मतलब डूबना ही है किसी ना किसी जगह पे। और यहाँ पर कहते हैं कि गांव का निचला भाग पूरा डूब जाता है और ये मंदिर के ऊपर तक पानी पूरा आता है। तो देखते हैं, भगवान को प्रे करते हैं कि हम लोग का साथ दे दे, बारिश भी बिल्कुल ना हो, और गेट तो अभी तक कोई खुला नहीं है तो पानी का इंटेंसिटी उतना ही होगा शायद, तो अगर धीरे धीरे बढ़ता है तो ठीक है। और 8 बजे के बाद हम लोग जैसे ही शॉट लेते हैं तब निकल जाएंगे, शॉट मिले या ना मिले तो निकल जाएंगे बिल्कुल भी। तो चलिए पहले आपको मैं दिखा देता हूँ फ्रेम कैसा है। अब ये मैंने फ्रेम रखा हुआ है, पूरा मिडिल पे रख दिया है टेंपल को, और उसी के ऊपर ही आने वाला है मिल्की वे। और अभी शायद आपको वीडियो नॉइजी लग रहा होगा क्योंकि लाइट का सोर्स कुछ भी नहीं है, और मेरा एपर्चर भी 2.8 से नीचे नहीं जाएगा, और ISO को 8000 पे रखा हूँ, इसलिए शायद थोड़ा ज़्यादा नॉइजी आता होगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। अभी बच गया है 7:15, मैंने फ्रेम को यहाँ पर लगा के रख दिया है, थोड़ा देर वेट करते हैं। 7:45 के अराउंड आई थिंक हो जाना चाहिए, नाइट आवर्स 7:50 के आसपास स्टार्ट हो जाएगा, तब उसका शॉट लेंगे हम। अब टाइम हो चुका है 8, और मुझे कोई आशा तो नहीं लग रहा है कि और मिल्की वे या कुछ भी एस्ट्रो फोटोग्राफी हो सकता है, क्योंकि तब से मैं कोशिश ही कर रहा हूँ। अंधेरा हो चुका है और एंटायर जो एरिया है वो बिल्कुल ढक चुका है। तो हमेशा की तरह फिर से कहूँगा, मैं जब भी लैंडस्केप्स करने आते हैं तो ये तो बिल्कुल मतलब पॉजिटिव हो कि बस खाली आपको आना है, लेकिन ये गारंटी हो कि नहीं आना कि आपको शॉट मिल जाएगा बोल के। वैसे भी ये मानसून का टाइम चल रहा है, तो मतलब ऐसा ही है कि रेत में सुई ढूंढने के बराबर होता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप सोच के आओगे और आपको परफेक्ट शॉट मिल जाएगा। खैर कोई बात नहीं, ये भी एक एक्सपीरियंस ही है, और देखते हैं मॉनसून ख़त्म होता है तो अच्छी बात है, या फिर आई थिंक जो वेदर का ऐप होता है उसमें बता ही रहा है कि 15 दिन के बाद थोड़ा क्लियर हो जाएगा, अगर क्लियर हो जाता है तो अच्छा है, नहीं तो वेट करते हैं। अगस्त का महीना ख़त्म होता है, सितंबर के महीने से आई थिंक पीक टाइम होता है वो, तभी हम ले सकते हैं शॉट। तो बताइए आप कमेंट सेक्शन पे आज का वीडियो कैसा लगा। बस एक कोशिश थी ये कि एस्ट्रो ले पाएँ, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे शॉट्स अच्छे भी मिल गए, रेनबो भी मिल गया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो पहली बार आ रहे हैं, जितना हो सके लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए। लेमन फोटोग्राफर अमित साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।